फिल्म फेयर अवार्ड्स की अनोखी दास्तानों में जरा चलेंगे सन 1983 में, जहां पर जबरदस्त कंपटीशन था बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए, और नॉमिनेशंस रहे पद्मनी कोल्हापुरे एज मनोरमा फॉर प्रेम रोग, राखी एज शीतल फॉर शक्ति, क्या बात सुधाकर साहब विजय के बारे में क्या पूछ, रेखा एज संगीता श्रीवास्तव फॉर जीवन धारा, सलमा आगा एस नीलो फरबानो फॉर निकाह, स्मिता पाटिल एस नजमा फॉर बाजार, जिसम बेचने से आपकी इज्जत नहीं जाएगी क्या? ये वो साल था जिसमें इस तरह की फिल्में आई जिसमें फीमेल कैरेक्टर्स बहुत ही स्ट्रांग थे। जिंदगी के ढेर सारे उतार चढ़ावों से गुजरते हुए ये चरित्र बड़े ही सशक्त नजर आए थे, चाहे वो पद्मिनी कोल्हापुरे का रोल रहा हो या फिर राखी, रेखा, सलमा आगा या फिर स्मिता पाटिल। कंपटीशन वाकई बहुत टफ था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले गई राज कपूर की हीरोइन मनोरमा मतलब पद्मिनी कोल्हापुरे फॉर प्रेम रोग। हम भी तुम्हें प्यार करते बहुत प्यार करते हैं। बहुत से लोगों को हैरानी जरूर हुई थी कि पद्मिनी कोल्हापुरी जैसी यंग अभिनेत्री कैसे राखी, रेखा और स्मिता पाटिल जैसी अभिनेत्रियों से आगे निकल गईं। पर अगर आप फिल्म प्रेम रोग देखें तो पद्मिनी कोल्हापुरी ने जिस तरह का किरदार निभाया वो उस उम्र की लड़की के लिए निभाना बहुत ही कठिन था, और इसीलिए पद्मिनी कोल्हापुरे ले गई बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड्स की और भी हैरान कर देने वाली कहानियां आने वाले एपिसोड्स में।